हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल साइंस एकेडमी। आई एम रिम्पी पांडे। लेट स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। देखते हैं क्या होम साइंस में क्या क्या कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या स्ट्रेटेजी है। अभी इसका करंट में पेपर 4 अप्रैल की डेट आई है, 4 अप्रैल से 28 मई तक है। इसके बीच में कोई डेट आएगी क्या, कब एग्ज़ाम होता है। होम साइंस का सेक्शन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे या कैसे सॉल्व करना है या किस लेवल का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेस आर मानव संसाधन क्या क्या है। मानव संसाधन आपका क्या क्या है, इसमें आपका मानव संसाधन स्किल है, एनर्जी है, नॉलेज है। तीन, मनी आपका क्या है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है, अमानवीय संसाधन है। तो कौन सा सही होगा इसमें, सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आ बजट इज, बजट क्या है, आय व्यय की योजना है, आय का मूल्यांकन है, आवश्यकता का विभाजन है या एक राष्ट्रीय योजना है। बजट जो पढ़ाया जाता है, एक डिफिनेशन ही है कि बजट क्या होता है, आपका आय व्यय की योजना होती है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें थी, आय का मूल्यांकन दिया गया था। आय का मूल्यांकन इसलिए नहीं है सिर्फ इसमें आय की, तो जब बजट तैयार करते हैं सिर्फ आय का ही मूल्यांकन नहीं करते कि कितनी आय आई या कितना इनकम हुआ, ये भी उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि व्यय भी कितना हुआ। आवश्यकताओं का विभेजन, ये तो आपका फैमिली वांट्स में आ जाता है। एक राष्ट्रीय योजना, ये तो है ही नहीं है, तो क्या है इसमें, आय व्यय की योजना है। नेक्स्ट है सूती कपड़ों फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन रिंकल इजली बिकॉज है फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन रिंकल इजली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सूती कपड़ों में आसानी से सिकुड़न निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। इसमें ये पूछा गया था कि जो सिकुड़न होती है इसमें से किस कारण से होती है। सूती कपड़े में रेशों में कम प्रतिस्कंदता, अधिक प्रोटीन की मात्रा, अधिक खनिज की मात्रा या उपरयुक्त सभी। जो इसका रीजन होता है, रिंकल जो कॉटन फैब्रिक में पड़ता है, यहाँ के जो ऑप्शन में है, जो ऑप्शन सही है, लो रेजिलेंसी ऑफ फाइबर, रेसी में कम प्रतिस्कंदता की वजह से क्या होता है, सिकुड़न बहुत जल्दी से। अच्छा, एक कमेंट करके ये आपको बताना है कि किसमें प्रतिस्कंदता सबसे ज़्यादा होता है, किस फाइबर में प्रतिस्कंदता सबसे ज़्यादा होता है, रेजिलेंसी किस फाइबर की सबसे ज़्यादा होती है। अगर जिसकी रेजिलेंसी कम रहेगी उसमें, उस कपड़े में सिकुड़न क्या होगा, बहुत जल्दी आएगा। अधिक प्रोटीन की मात्रा इसमें, अधिक प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि प्रोटीन तो कॉटन में होता ही नहीं, अधिक खनिज की मात्रा, मिनरल्स भी नहीं होता, उपरोक्त सभी तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित रेशों में से असामान्य रूप से तीव्र चमक होती है, फॉलोइंग फाइबर से अनयूजली ब्राइटन सीन। सेल्यूलोजिक फाइबर में तो लस्टर होता ही नहीं है। पूछ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब निम्नलिखित असामान्य रूप से तीव्र चमक होती है, रबर फाइबर में भी नहीं होता, मिनरल फाइबर में भी होता है, प्रोटीन फाइबर में आपके इसलिए आ रहा है, प्रोटीन फाइबर में एक जो होता है कौन सा फाइबर होता है, सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में बहुत ही ज़्यादा लस्टेरियस होता है, वो फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से ज़्यादा उसमें फिनिश दे रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रोटीन फाइबर जो होता है सबसे ज़्यादा लस्टेरियस, अगर इसमें ऑप्शन में आएगा तो। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द टेक्निकल टर्म्स यूज इन वीविंग टू डिनोट रिस्पेक्टिवली द यार्न्स यूज लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज। बुनाई में धागों को लंबवत एवं आड़ा प्रयोग करने हेतु काम आने वाले तकनीकी शब्द क्रमशः निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं, जो धागा क्या कर है, लंबवत आता है और आड़ा आता है। लंबवत में जो आता है तो उसको बोलते हैं वार्प एंड वेफ्टयार्न, वार्प एंड जो लंबवत जाएगा, लंबा जा रहा है तो वार्प यार्न, और हॉरिजॉन्टल वर्ग में जा रहा है तो वेफ्टयार्न। वेफ्टयार्न को एक वर्ड और बोलते हैं, फिलिंग यार्न भी बोलते हैं। वार्प यान को क्या बोलते हैं, ताना को लेंथ वाइज भी बोलते हैं, खड़ा हुआ फाइबर। बाना को बोलते हैं भराव वाला, फिलिंग यान भी बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल जो वेफ्ट यान होता है ये हॉरिजेंटल क्षैतिज में चलता है, और जो वार्प यान होता है वो लंबवत चलता है। नेक्स्ट है प्रथम मानवकृत तंतु जिसका उत्पादन सन 1895 में एडी में हुआ था, कौन सा ऐसा फाइबर है जो 1895 में हुआ था, ये है आपका रेयान। कौन कौन सा था, रेयान, पॉलिएस्टर, एस्बेस्टास, नायलॉन। तो ये फाइबर जो है आपका रेयान है, रेयान फाइबर 1985 में आया था। नायलॉन
आई थिंक 1939 में आया है, और पॉलिस्टर भी 59 में है, देख लीजिएगा एक बार किस ईयर में है। नेक्स्ट है दी फॉलोइंग अ रटिंग इज यूज फॉर व्हिच फाइबर, गलाने की प्रक्रिया किस तंत्र के उत्पादन में उपयोग होती है। गलाने की प्रक्रिया जो होती है अभी फ्लैक्स फाइबर में होती है। फ्लैक्स फाइबर को और क्या बोलते हैं, लिनन बोलते हैं, जो अलसी का पौधा होता है, अलसी का पेड़ से जो फैब्रिक बनता है, हिंदी में अलसी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैक्स बोलते हैं। फ्लैक्स किससे बनता है फाइबर, आपके स्टेम से बनता है, इसको बोलते हैं लिनन फाइबर। नेक्स्ट नायलॉन 6-6 बनाने का सही क्रम दीजिए, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मेकिंग नायलॉन 6-6। इसमें ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है कि नायलॉन का जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं जनरली नेट्स में आते हैं, टीजीटी लेवल में तो उतना नहीं आता है, बट ये भी ये जो पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर लेवल के लिए है, तो इसलिए थोड़ा डीप में आया है। तो क्या सही होगा, इसमें क्या होता है जब नायलॉन 6-6 का फॉर्मेशन निर्माण होता है, तो क्या सबसे पहले क्या होता है इसमें, ऑप्शन में चूज करना है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऑप्शन में, वैसे इसमें आंसर सही है, फर्स्ट आंसर सही है, सबसे पहले क्या होता है पॉलीमराइजेशन होता है, दूसरा फिर क्या होता है रिबन बनाना होता है, रिबन को क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिबन, रिबन रिबन बनता है, फिर उसके बाद चिप्स बनाते हैं, फिर पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद फिर क्या करते हैं कटाई करते हैं, फिर धागा खींचना मेटना, ऐसे है इसमें ऑप्शन में कैसे करते कि जैसे कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो इतना तो पता है कि ये स्पिनिंग के बाद ही क्या करते हैं ड्राइंग करते हैं, स्पिनिंग करने के बाद या कटाई करने के बाद धागा को खींचते हैं, फिर ऐठन दे के उसको बनाते हैं कि जब धागा तैयार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये आप कर सकते थे कि पहले क्या होगा ई एफ तो आएगा नहीं, पहले क्या आएगा एफ ई आएगा, एफ ई कहाँ मिल रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये भी ऐसे करेक्ट जा सकता था कि सबसे पहले ड्राइंग कर सॉरी सबसे पहले स्पिनिंग कर रहे हैं, फिर धागे वगैरह खींच के ऐड रहे हैं। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रेशे की प्राथमिक विशेषता नहीं है। अब प्राइमरी प्रॉपर्टी जो फाइबर की होती है, पांच प्रॉपर्टी होती है, पहला होता है हाई लेंथ टू ब्रेथ रेशियो, स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोहेसिवनेस होता है, एंड यूनिफॉर्मिटी होती है। हिंदी में तो हिंदी में बता दें हाई लेंथ टू ब्रेथ रेशियो, दूसरा क्या स्ट्रेंथ मजबूती, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, एंड कोहेसिवनेस बंधन क्षमता या चिपकने की क्षमता, एंड यूनिफॉर्मिटी मीन्स होता है एक रूपता। थोड़ा जब फाइबर पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे कौन से प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है, प्राथमिक विशेषता क्या होती है और द्वितीयक विशेषता क्या क्या होती है। तो इसमें क्या है स्ट्रेंथ भी है, सॉरी इसमें हुई चाबी फाली मुझे नॉट अ प्राइमरी, तो स्ट्रेंथ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एंड कोहेसिवनेस है, डेंसिटी क्या है नहीं है, तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें डेंसिटी। घनत्व, घनत्व क्या है सेकेंडरी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है फाइबर की। नेक्स्ट इन व्हिच वीव कार्ड्स आर यूज ड्यूरिंग वीविंग, निम्न में से किस बुनाई के साथ कार्ड का प्रयोग किया जाता है। कार्ड का प्रयोग सिर्फ जयकार्ड बुनाई के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें समय कार्ड भी, सॉरी कौन सा समय कार्ड का प्रयोग किया जाता है, और एक इसको बोलते हैं पंच कार्ड भी बोलते हैं, तो पंच कार्ड की बुनाई किसमें होती है जयकार्ड बुनाई में होती है। ट्विल पाइल शादी में इसमें कार्ड का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हिच फाइबर इज इजली इफेक्टेड बाई मॉथ एंड फंगस, कौन से ऐसा फाइबर है जो फफूंदी और कीड़ों से आसानी से प्रभावित है। तो ये जो ऊनी जितने प्रोटीन फाइबर होते हैं उनमें क्या लगते हैं कीड़े लगते हैं और क्या लग जाती है फफूंदी लग जाती है, तो इसमें आपको प्रोटीन फाइबर सिर्फ ऊन ही है, तो ऊन क्या ऊन ही इस पर प्रभावित, पॉलिएस्टर मैनमेड है, सूती क्या मानव निर्मित है, सूती क्या है सेल्यूलोजी फाइबर है, रेयान भी क्या है मैनमेड फाइबर है, तो मैनमेड फाइबर में तो वैसे भी ये कीड़ों फफूंदों का कोई सिस्टम होता ही नहीं है, सूती वस्त्र में फफूंदी तो लगती है लेकिन क्या है कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इन अ फाइबर इज मेजर्ड पर, तंतु में ऐंठन को नापा जाता है प्रति क्या, वैसे इसमें ऑप्शन जो सही है आपका प्रति इंच नापा जाता है, तंत्र में जो ट्विस्ट ट्विस्ट पर इंच बोला जाता है, नापने का जो मेजरमेंट है ट्विस्ट पर इंच है, जो ऐंठन हुई रहती है कितने इंच पे कितनी बार उसको टर्न किया गया, कितनी बार उसमें ऐंठन दी गई है।
नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट। शरीर के नाप की सहायता से पैटर्न बनाने की प्रक्रिया है। वस्त्र निर्माण, पैटर्न बनाना, खाका बनाना, ड्रेपिंग। इसमें जो आंसर है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है? खाका बनाना। कैसे खाका बनाना सही हो रहा है? इसमें कह रहा है शरीर के नाप की सहायता से पैटर्न बनाने की प्रक्रिया। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। जनरली लोग जो ऑप्शन लगा देंगे वो पैटर्न बनाना लगा देंगे, पैटर्न मेकिंग लगाएंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो, जो पढ़ा हुआ है तब तो अंडरस्टूड है कि वो ड्राफ्टिंग ही लगाएगा। पैटर्न बना खाका। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे तुरंत यहाँ पे पकड़ लेना चाहिए था। जब सबसे पहले क्या होता है, बॉडी का जो मेजरमेंट लेके किसी चीज़ का जब निर्माण किया जाता है, जो बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हैं और उसको ड्रा कर रहे हैं या लिख रहे हैं या उसके थ्रू पैटर्न बना रहे हैं, तो वो किस में आता है? वो ड्राफ्टिंग में आता है। ड्रेपिंग में क्या होता है कि जो कपड़ा होता है, डायरेक्ट जो क्लॉथ होता है या बनाने जा रहे हैं किसी के लिए, डिजाइन करने जा रहे हैं, तो उसको पहना के या डमी पे पहना के देख ही लेते हैं कि किस तरीके से फिट आता है। ये सबसे ओल्डेस्ट मेजरमेंट है, सबसे पुराना मेजरमेंट है। क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मेजरमेंट लिया जा रहा है। पैटर्न मेकिंग में क्या होता है, पहले ये थोड़ा क्या होता है, ये कॉमर्शियल लेवल पे हो जाता है पैटर्न मेकिंग। और कॉमन एक कोई पैटर्न बना लिया जाता है, उसी के बेस पे आपको छोटा बड़ा किया जाता है। लेकिन जो मेजरमेंट होता है शरीर की नाप की सहायता से जो पैटर्न बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कटिंग अ क्लॉथ फॉर गारमेंट। वस्त्र को पोशाक है तो काटने का सही क्रम दीजिए। क्या सही क्रम है इसमें कि सबसे पहले वस्त्र का निर्माण किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको बी ऑप्शन सबसे पहले क्या कहते हैं इसमें, देखिएगा यहाँ पे टेकिंग, देखिए ले आउट द प्लान, टेकिंग मेजरमेंट, प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट, ट्रेसिंग द स्टिचिंग लाइन, कटिंग द क्लॉथ। कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा इसमें आपका सीक्वेंस होगा? तो सबसे पहले जब भी आप किसी क्लॉथ का गारमेंट की कटिंग करने जाते हैं, कोई भी क्लॉथ है, तो उसका सबसे पहले क्या लेते हैं? मेजरमेंट लेते हैं। क्या आएगा मेजरमेंट में, इसमें बी नंबर में माप लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? माप लेते हैं। अब इसमें माप में ऑप्शन में आई सबसे पहले क्या बी आ रहा है। चलिए बी, अभी दोनों में आ रहा है तो देखते हैं कौन सा जाएगा। फिर माप लेने के बाद फिर क्या ऑप्शन सी आ रहा है। सी क्या है? प्रिपेयरिंग का ड्राफ्ट, बिल्कुल है। जब हम अभी इसके पहले जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें यही था। सबसे पहले क्या लेते हैं? मेजरमेंट लेते हैं, और मेजरमेंट लेने के बाद क्या बनाते हैं? उसके बाद ड्राफ्ट बनाते हैं। तो प्रिपेयरिंग का ड्राफ्ट क्या, उसी का मतलब होता है खाका बनाना, खाका बनाते हैं। फिर है डी, फिर डी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। अब डी ए में कोई एक चूज करना है। डी क्या है? ट्रेसिंग द स्टिचिंग लाइन, या ए क्या है? ले आउट द प्लान। अच्छा यहाँ पे ट्रेसिंग द और क्या था, ट्रे कहाँ गया, ट्रेसिंग द स्टिचिंग लाइन, सीमन रेखा छापना। अब खाका बनाने के बाद तुरंत सीमन रेखा तो नहीं छापेंगे। सीमन रेखा मतलब हमको सिलाई कहाँ से करनी है उसकी नाप देना होता है। तो उसके बाद जब हम खाका बना लेते हैं तो क्या एक लेआउट लेते हैं, उसको रखते हैं उस कपड़े के ऊपर कि ये पैटर्न तैयार, ये ड्राफ्टिंग तैयार हो गई, किसी ब्राउन पेपर पे बना लेते हैं, फिर उसको कपड़े के ऊपर क्या रखते हैं? रखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए वाला, बी जा रहा है, बी आंसर सही होगा। बी क्या, इसमें क्या है, सबसे सबसे पहले क्या किया, टेकिंग मेजर नाप लिया, फिर प्रिपेयर ड्राफ्ट को तैयार किया, फिर प्लान लेआउट योजना बनाया, फिर ट्रेसिंग द, फिर स्टिचिंग लाइन को ट्रेस किया कि यहाँ से ये सीन, जब जहाँ पे सिलाई स्टिचिंग करेंगे वो लाइन जाएगी। फिर एक कटिंग लाइन भी, एक कटिंग लाइन की भी आउट में थोड़ा सा 1-2 इंच का छोड़ के कटिंग वाली लाइन कट कर देते हैं, एक मार्क कर देते हैं, तो जो क्या होता है वहाँ से क्लॉथ को क्या करते हैं? कटिंग कर देते हैं। ये होता है क्लॉथिंग को जब कट करने का सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन एम्ब्रियो डेवलप फर्स्ट। भ्रूण के शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले विकसित होता है? अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि इसमें क्या पूछा गया था, भ्रूण व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन एम्ब्रियो डेवलप फर्स्ट, कि सबसे पहले जब बच्चा गर्भ में रहता है तो कौन सा पार्ट डेवलप होता है? हेड सबसे पहले क्या क्या चीज डेवलप होता है? सिर सबसे पहले डेवलप होता है। नेक्स्ट
ईच नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स फॉलोइंग नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। मानव शरीर की हर सामान्य कोशिका में निम्न संख्या के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें तुरंत ये से आंसर इसका 46 सही है, लेकिन इसमें जनरली आंसर क्या लगा है, तुरंत 23 लगाएंगे। क्योंकि क्योंकि ये चीजें याद है सबको कि कितने जोड़े होते हैं क्रोमोजोम किसी भी ह्यूमन बॉडी में या सेल्स में, कोशिका में, ह्यूमन बॉडी में कितने 23 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है मानव शरीर में हर सामान को निम्न संख्या में, इन्हें जोड़ी नहीं, जोड़ा नहीं पूछा, पेयर नहीं पूछा, पेयर वर्ड नहीं आया। तो इसमें 23 दुना क्या होता है, 46 होता है। तो क्या हो गया आपको, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। वैसे 23rd जो क्रोमोजोम होता है उसको सेक्स क्रोमोजोम भी बोलते हैं, और जो 22 क्रोमोजोम होते हैं, 23वां जोड़ा जो होता है, 23rd पेयर जो होता है उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, और जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोजोम्स बोलते हैं। ये जब सीडी में पढ़ाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में थोड़ा डिटेल्स में समझाएंगे जीन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबी इज कंसिडर एज नॉर्मल। एक भारतीय शिशु का जन्म के समय निम्नलिखित वजन सामान्य माना जाता है। वैसे 2.5 से 3.5 किलो माना जाता है जो एक भारतीय इंडियन शिशु का जन्म का माना गया। तो इसमें 2.5 टू 3.5 तो है ही नहीं है, 2.5। तो इसमें देखिए 2.6 3.4 वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, 2.5 से 3.5 इसी के अंडर में आ रहा है। नेक्स्ट, एट 1 ईयर ऑफ एज द इन्फेंट शोज फॉलोइंग चेंजेस इन हिज बॉडी मेजरमेंट। एक वर्ष की उम्र पर शिशु के शारीरिक माप में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे नेट में भी TGT PGT मतलब मैक्सिमम जो एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता है कि जो एक इन्फेंट होता है अपना 1 साल पूरा करने के बाद कितना कितना टाइम्स वो क्या करता है, उसका वेट बढ़ जाता है। तो इसमें बॉडी वेट जो इसमें बॉडी वेट क्या होता है, क्या है पहला, क्या है, शरीर भार दुगुना हो जाता है व लंबाई 50% बढ़ जाती है। दूसरा, शरीर भार दुगुना हो जाता है व लंबाई 25% बढ़ जाती है। शरीर भार तिगुना हो जाता है व लंबाई 100% बढ़ जाती है। शरीर भार दुगुना हो जाता है व लंबाई 3 गुना बढ़ जाती है। ये चीज तो सबको, ये ऑप्शन आपका क्या जा रहा है, फंस जा रहा है। क्यों फंस जा रहा है कि ये पता है कि जब शरीर शरीर का भार क्या हो जाता है, बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका वेट क्या होता है, ट्रिपल ट्रिपल हो जाता है, वेट का 3 गुना हो जाता है, और लंबाई क्या होती है, 50% उसकी बढ़ जाती है। जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो उसकी 50% लंबाई जो बॉर्न हुआ होता है तब से उसकी लंबाई जब कैलकुलेशन करें 50% मतलब हाफ उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट व्हिच ऑर्गन बिकम्स फंक्शनल फर्स्ट। विकास के निकट दूर क्रम के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अंग सर्वप्रथम कार्यरत होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखा, वैसे इसमें आपका सही क्वेश्चन जो सही है हार्ट। क्यों हार्ट सही है, जनरली जो क्वेश्चन में आंसर अभी कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट है या कोई भी नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी है तो तुरंत क्या होता है, हम थोड़ा क्वेश्चन को डीप में नहीं पढ़ते हैं, तुरंत क्या प्रॉक्सिमोडिस्टल देखा, प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड देखा, तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब निकट के दूर करें, तो हमें तुरंत पता है पैर से हृदय पैर से सिर की ओर का विकास होता है, और जो सिफेलोपोडियल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉक्सिमोडिस्टल निकट दूर कम देखा तुरंत पैर लगा दिया, लेकिन इसने पूछा अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट व्हिच ऑर्गन बिकम्स फंक्शनल फर्स्ट, मतलब कौन सा अंग सर्वप्रथम कार्यरत होता है, मतलब फंक्शन के बाद, ये सॉरी अंग के फंक्शन की बात पूछ रहा है ना, तो ये नहीं पूछ रहा उसका विकास कैसे होता है, ये किसी मतलब इस पार्ट में फंक्शन को और मतलब कार्य कौन सबसे अंग सबसे पहले करे, जो आपका इक्टोडर्म इजोडर्म मीजोडर्म होता है, ये थोड़ा डिटेल में समझाएंगे जब सीटी में पढ़ाएंगे तो क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हेड हैंड लेग्स में सबसे पहले, हार्ट में सबसे पहले आपका हार्ट फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ के ऑप्शन में हार्ट कर रहा है फंक्शन। नेक्स्ट है, सम न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस आर, कौन कौन से हैं, इनमें से कुछ नवजात सहज क्रियाएं हैं, मोरो, किलकिलाना, रूटिंग, बेवेंस्की एंड रेगना। मोरो मोरो में क्या होता है, मोरो 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 रूटिंग एंड, अच्छा इसका ऑप्शन जो सही है आपका मोरो रूटिंग एंड बेवेंस्की, ACD। सब न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस है इसके, तो ये न्यूनेटल स्टेज में आता है,
जब बच्चा बॉर्न होता है 0 to 2 ईयर्स के बीच में ये स्टेज होते हैं। वैसे न्यू बॉर्न एक तो होता है आपका इन्फेंसी या शैशवावस्था होता है 0 to 2 ईयर्स जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। उसके पहले भी एक स्टेज होती है नियोनेटल स्टेज होती है, बर्थ से 4 वीक तक होती है। तो उस स्टेज में ये क्रियाएं होती हैं। कौन कौन से रिफ्लेक्सेस या नवजात सहज क्रियाएं हैं, इसमें मोरो होता है रूटिंग बेबेंस की। किलकिलाना तो होता नहीं, किलकिलाना है आपका ये जब इन्फेंसी 1.5 साल तक होता है तब बच्चा किलकिलाना शुरू करता है। रेगना भी तभी स्टार्ट करता है या 9th मंथ 1 ईयर का हो जाता है। सब मतलब ये 4 वीक के अंदर में ये चीज, ये 4 वीक या 4 सप्ताह के मतलब 1 महीने के अंदर में ये चीजें नहीं करता, रेगना किलकिलाना नहीं आता है उसे, सिर्फ तीन ही चरण। मोरो 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 में क्या होता है कि जैसे भी क्या होता है बच्चा अगर सहज मतलब न्यू बॉर्न है बेबी है तो थोड़ा सा भी अगर लाउड नॉइस आती है, बहुत तेज आवाज आती है तो बच्चा एकदम सहज सा जाता है। मतलब वो थोड़ा सा बहुत तेज कोई भी अभी नवजात बच्चा होता है तो कोई भी आता है तो धीरे से मतलब बच्चा, तो अगर आप बहुत लाउड या वॉइस आ जाती है नॉइस आ जाती है तो बच्चा एकदम सहज सा जाएगा, मतलब कहाँ आ गए या मतलब ऐसा इतना ज्यादा शोर कहाँ से होने लगा है। और इसमें क्या करता है अपने पैरों को भी, अपने पैर और हाथों को भी फैलाना सीख लेता है थोड़ा थोड़ा। फिर अपने आप में जैसे आप जैसे वॉइस हुई तो अपने आप हाथ पैर फैला के एकदम अंदर से सिकुड़ सा जाएगा। नेक्स्ट है मोरो रूटिंग, क्या मोरो रूटिंग। रूटिंग में क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है किसी, मान लीजिए किसी बेबी अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अगर छीक पे गाल पे थोड़ा सा भी अगर टच करते हैं तो क्या करता है बच्चा, क्या होता है फिंगर भी टच करते हैं प्रेस करते हैं तो बच्चा अपना सिर क्या होता है उसी साइड घुमा लेता है जिस साइड, क्यों, क्योंकि अपना वो जहाँ टच करते हैं वो उसको शक करना चाहता है। नेक्स्ट है क्या था वेवेंस्की। वेवेंस्की में क्या होता है कि जैसे भी थोड़ा सा किसी भी साइड दूसरे स्ट्रोक या पैर लगता है, अपने क्या होता है अपने अंगूठे का मतलब जो पैर का अंगूठा होता है उसको फैलाने लगता है या पैर ही पूरा थोड़ा थोड़ा बहुत फैलाने की कोशिश करता है। जैसे थोड़ा सा स्ट्रोक लगता है फिर अंदर कर लेगा। तो ये सब क्या हो, ये सब किसकी सहज क्रियाएं हैं, नवजात शिशु की सहज क्रियाएं हैं। नेक्स्ट द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ, एक व्यक्ति की युक्तिसंगत रूप से सोचने समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है। पहला फाइन मोटर एक्टिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गुड मैनेजमेंट स्किल। सूच क्रियात्मक गतिविधि है, भाषा विकास है या संज्ञानात्मक विकास है या अच्छा प्रबंधन कौशल है। एक व्यक्ति के युक्ति संगत रूप सोचने और समस्याओं का समाधान, जैसे ये टर्म आ गया समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान करना कहाँ से होता है, मानसिक से होता है या कोई भी समस्या का आप समाधान करें तो मानसिक प्रक्रिया इसमें आती है, मानसिक क्रिया होगी इसमें। सोचने की भी क्रिया क्या है आपकी, मानसिक है ना। तो इसमें आपका फाइन फाइन मोटर वो होता है या सूच क्रियात्मक क्रिया जब हाथ से काम करते हैं, बहुत मतलब क्रिएटिव स्किल करते हैं, बहुत फाइन मोटर, बहुत ही लचीला काम, कैसे बोलेंगे फाइन मोटर मतलब बहुत छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट है भाषा विकास करते हैं, भाषा विकास को कोई मतलब ही नहीं, समस्या का समाधान कर रहे हैं भाषा से कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है अच्छा प्रबंधन कौशल, वो यहाँ पे भी मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये आपको होता है संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने थ्योरी दी है कि जब कोई व्यक्ति संज्ञान का है, समस्याओं का समाधान करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है या थिंकिंग करता है, कॉन्सियस होता है, तो ये सब चीजें क्या होते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास में आता है। नेक्स्ट है सम बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज दैट सीम्स टू इंडिकेट प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, कुछ व्यवहार संबंधी असामान्यताएं जो समस्यात्मक बच्चों में देखी जाती हैं। स्टीलिंग, लाइंग, टेम्पर टेंटन, नेल बाइटिंग, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध की प्रवृत्ति, नाखून खाना, कुछ व्यवहार संबंधी असामान्यताएं जो समस्यात्मक बच्चों में देखी जाती है। देखो जो समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक बच्चे होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन जो होते हैं, तो उसमें ये साथ एक तो होता है चोरी करना, ये भी उसका एक सिम्टम्स है, लक्षण, झूठ भी बोलते हैं, क्रोध की प्रवृत्ति तो होती है, टेम्पर मतलब तुरंत थोड़ी बार गुस्सा, नाखून काटना ये भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, ABCD, चार हो गया। ये समस्यात्मक बच्चों में असामान्यताएं मतलब ऐसे व्यवहार वो करते हैं कि जो देखा गया है। नेक्स्ट है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट अकर्स मैक्सिमम ड्यूरिंग व्हिच एज,
सेंसरी मोटर डेवलपमेंट कौन सी एज में होता है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक। अभी मैंने बताया था जो सेंसरी शैशवावस्था, अच्छा ये सेंसरी मोटर डेवलपमेंट दिया किसने? जीन प्याजे की थ्योरी का जो फर्स्ट स्टेज उन्होंने दिया है सेंसरी मोटर स्टेज डेवलपमेंट। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 to 2 ईयर्स होता है, 0 to 2 ईयर्स मतलब बर्थ से लेके 2 साल तक होता है। बर्थ से लेके 2 साल तक हुआ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब हम सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स किसमें आता है? इन्फेंसी एज में आता है या शैशवावस्था में आता है। नेक्स्ट, व्हिच इज मोर सॉरी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? बालक के भाषा विकास के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? उचित भोजन या उचित सामाजिक वातावरण, उचित नैतिक विकास, उचित संवेगात्मक विकास? यहाँ पे जो आंसर है आपका है गुड सोशल इन्वायरमेंट। कैसे गुड सोशल गुड फूड का तो कोई मतलब है नहीं, भाषा से उसका तो कोई मतलब है नहीं। गुड मॉरल एंड डेवलपमेंट, यहाँ दो इसमें दो लोग इसमें जो लोग कन्फ्यूज होंगे, दो ऑप्शन। गुड इमोशनल, इमोशनल से भी कोई मतलब भावनात्मक या संवेगात्मक, इमोशनल मतलब यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भावनात्मक से उचित संवेगात्मक नहीं, यहाँ पे भावनात्मक लिखना चाहिए था हिंदी में, उचित भावनात्मक विकास, इमोशनल अगर लिखा है तो क्योंकि संवेगनात्मक कॉग्निटिव हो जाता है, गुड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे? गुड सोच, गुड मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास से भाषा का कोई मतलब ही नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे में बहुत अच्छे नैतिक विकास हुआ लेकिन उसका भाषा क्या है, भाषा विकास नहीं हो पाया, तो भाषा विकास होने के लिए उचित क्या होता है, सामाजिक वातावरण होना बहुत जरूरी है कि उसके इर्द गिर्द लोग कैसे रह रहे हैं, स्कूल में कैसे लोगों से बातचीत हो रही है नहीं कर रही, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है तो भाषा को अपनी बढ़ा रहा है नहीं कर रहा, बातचीत कर रहा है नहीं कर, जितना भी बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा जितना भी अपने अच्छे सामाजिक वातावरण से उतने ही उसके भाषा का विकास अधिक से अधिक होगा। नेक्स्ट है बाल मोटिवेशनल फैक्टर लीडिंग टू मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बालक के नैतिक विकास हेतु प्रेरणा के कारक हैं। बालक के नैतिक विकास हेतु प्रेरणा के कारक, पहला अस्वीकृति का भय, स्वीकृति की चाह, पहचान की चाह, उपरोक्त सभी, फियर ऑफ रिजेक्शन, डिजायर ऑफ एक्सेप्टेंस, डिजायर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑल ऑफ दीज। कि क्या पूछ रहा है, मोटिवेशनल फैक्टर लीडिंग टू मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कौन से ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर हैं या कौन से ऐसे प्रेरणा के कारक हैं जो मॉरल डेवलपमेंट चाइल्ड के लिए आगे की ओर ले जाते हैं, मतलब प्रेरणा का कारक बनते हैं बालक के? तो फियर ऑफ रिजेक्शन ये भी एक, अच्छा यहाँ पे डिजायर ऑफ एक्सेप्टेंस ये तो सही है कि हाँ हर व्यक्ति में स्वीकृति की चाह होती है, अगर हम बताएंगे आप ये भी कर सकते हो, आप ये करोगे तो आप ये भी पालोगे। डिजायर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये भी एक प्रेरणा है कि जो लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि मेरी अपनी खुद की पहचान हो, तो ये अगर ये दोनों सही हो गए तो ये तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि अगर दो सही हो रहे हैं तो तीसरा तो सही होना ही। अस्वीकृति का भय, कोई भी अगर कुछ करने चाहता है तो उसको भी डर लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, लेकिन ये रिजेक्शन ही क्या करता है उसको, मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, तो ये भी क्या मोटिवेशनल फैक्टर में ही आता है। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये आज के लिए बस इतना ही, 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ अच्छा ये यहाँ पे समझाने का मतलब ये था यहाँ पे आपका RBSE का एग्जाम जो हुआ था कि कैसे होम साइंस का, ये अच्छा सेकंड पेपर है इसका, फर्स्ट पेपर होता है जो राजस्थान का 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें राजस्थान का जीएस होगा एंड करंट अफेयर्स भी होंगे, उसका पैटर्न बता देंगे कैसे कैसे क्या एग्जाम होगा। ये सेकंड पेपर होम साइंस का था, तो यहाँ पे एक लेवल देखने को मिल रहा है किस लेवल का एक पेपर आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। पेपर यहाँ पे जितने भी 150 क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करा देंगे, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।